वजीर आजम इमरान खान का दौरा लाहौर अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। सिविल और पुलिस ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ से मुतालिक मंजूरी दे दी। मजीद तफसीला जानेंगे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद हसन रजा से। जी हसन रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान दौरा लाहौर के मौके पर उनकी जानेब से सिविल पुलिस ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ से मुतालिक मंजूरी दी और उनका ये कहना था की जिन अफसरान को तैनात किया गया वो कम अज कम एक साल तक इस अहदे पर तैनात रहेंगे। और जरा ये भी बताते हैं कि ये भी इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जो अफसरान काम नहीं करेंगे उनको तब्दील किया जाएगा और अफसरान के टेन्योर को तहफ्फुज़ दें, अफसरान भी मेहनत से काम करें, सिफारशी कल्चर का खात्मा किया जाए और मेरिट को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक, आई जी पंजाब शेख दस्तगीर और दीगर मुतलका वज़रा को जो है वो ये काम जारी किए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार ने प्राइम मिनिस्टर के दौरे के मौके पर चीफ ब्यूरोक्रेसी को कहा कि अफसरान की कारकर्दगी पर जो है वो रिपोर्ट हर 3 माह बाद ली जाएगी और पंजाब ब्यूरोक्रेसी में आए रोज तबादलों पर यकीन नहीं रखते, अफसरान करप्शन के खात्मे मेरिट को यकीनी बनाने से मुतालिक इकदामात करेंगे। और इस हवाले से वजीर आला पंजाब ने वजीर आजम को इस तमाम तर जो उनकी हदायत को समय दरामद करने से मुतालिक यकीन दहानी करवाई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे।